आ गए जी। तुम कौन हो? अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? आपके पैर छू रही हूँ। हाँ वो तो नजर आ रहा है, लेकिन क्यों? बाल है, आपके पैर नहीं छूंगी तो और किसके छूंगी? अरे लेकिन क्यों? अरे अरे लेकिन क्यों? अरे लेकिन क्यों? क्यों? कमाल है, मेरे पीछे शांता ने ये कौन सी नई मुसीबत लाकर रखी है? पानी? शांता कहाँ है? आपने मुझे नहीं पहचाना ना? मैडम आपको तो मैं बाद में पहचान लूंगा, लेकिन फिलहाल शांता कहाँ है? मैं ही आपकी शांता हूँ। क्या तुम मेरी शांता हो? हाँ, कैसे लग रही है इस नए फेस में? नए फेस में? हाँ? क्या तुमने मास्क लगाया है क्या? क्या कर रहे हो? तुम समझोगे क्या? अरे तुम मेरी शांता नहीं हो सकती। अरे बाबा मैं ही आपकी शांता हूँ। पिछले 3 एपिसोड से मुझसे दूर दूर जा रहे थे, मेरी शक्ल भी आपको पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी शक्ल बदलवा ली है। प्लास्टिक सर्जरी करवा के शक्ल बदलवा ली? हाँ। बेहोश होने की जगह कहाँ है? क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम क्या समझती हो? तुम जो कुछ भी कहोगी मैं मान लूंगा? आपको मानना ही पड़ेगा पापा। क्या सबूत है कि ये शांता है? सबूत मैं हूँ, मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूँ। देख लिया मम्मी, मैंने कहा था ना कि शक्ल पापा के सामने बदलवाना, पर आपको तो सरप्राइज देना था, देख लिया सरप्राइज। पापा ये मम्मी है, ये मम्मी है, ये मम्मी है। ये मम्मी नहीं है, ये मम्मी नहीं है, ये मम्मी नहीं है। मैं मम्मी हूँ जी, मम्मी हूँ जी, मम्मी हूँ। हाँ हाँ, तुम किसी की मम्मी हो सकती हो, लेकिन मेरे सोनू की मम्मी नहीं हो। बेटा, मैं सोनू की कसम खा के कहती हूँ, मैं सोनू की मम्मी हूँ, आपकी शांता हूँ जी। खबरदार, जो मुंह से शांता का नाम लिया तो समझी। शक्ल देखिए अपनी, हाँ किसी एंगल से शांता नहीं लग रही हो। मैंने तुम्हें खुश करने के लिए अपनी शक्ल बदलवा ली है, अब बदली हुई शक्ल में भी शक करने लगे हो क्या? थक गई हूँ मैं तो। अरे पापा, शक्ल से नहीं तो मम्मी के पैट डायलॉग से तो पहचानो कि ये मम्मी है। चुप कर तू, मुझे तो कुछ पर भी शक होने लगा। सच बता, ये औरत कौन है? मम्मी है पापा। क्या कर रहे हो? छोड़ो, बच्चे का कान लोगे क्या? अरे कान नहीं, मैं तो इसकी जान ले लूंगा। बेटा लगता है सच सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उसके लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, टेढ़ी। अरे ये तो सीधी से ही निकल जाएगा। हेलो, गोलमाल पुलिस थाना? यस। पुलिस आ गई? नहीं, जल्दी से बताओ कि इलेक्शन के दिनों में गोलमाल पुलिस को किसने फोन किया था? मैं फोन कर ही रहा था इंस्पेक्टर। जल्दी से गिरफ्तार करो उनको। अरे इंस्पेक्टर, अरे मैंने अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए फोन नहीं किया था। तो आप बताएंगे किसको गिरफ्तार कराने के लिए फोन किया था? इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए फोन नहीं किया था। क्या मतलब आपका? इन्होंने ऐसे ही फोन कर दिया था? गिरफ्तार कर लो इनको। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही फोन नहीं किया था इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी घर में से गायब हो गई है, इसलिए मैंने फोन किया था। इनकी बीवी को गिरफ्तार कर लो। गायब हो चुकी है, क्या बताने की क्या जरूरत है? मालूम है मुझे। बताओ, तुम्हारी बीवी गायब हो चुकी है तो तुमने थाने में आके रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई? थाने को यहाँ क्यों बुलाया? थाने के पास इतना टाइम नहीं है इलेक्शन के दिनों में। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अंकल, पापा भी बहुत गुस्से में, आप जाइए। पुलिस से ज्यादा गुस्सा है? ऐसे ही चला जाऊं बगैर किसी को गिरफ्तार किए हुए? इंस्पेक्टर, अगर आपको गिरफ्तार करना है तो इस औरत को गिरफ्तार कीजिए। ये औरत मेरे घर में घुसकर अपने आप को मेरी बीवी कह दिए। ओ गिरफ्तार करो इसको। अरे क्या कर रहे हो आप? मैं आपकी बीवी हूँ, मैं शांता हूँ जी। मम्मी ठीक कह रही है। ओ तू कौन है? मैं सोनू हूँ, ये मेरे पापा और ये मेरी मम्मी। नहीं बेटा, ये तेरी मम्मी नहीं है, ये शांता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं वाभागन शांता हूँ। देखिए मेरी शक्ल इन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी करवा के मैंने अपनी शक्ल बदलवा ली है, अब ये बदली हुई शक्ल में भी शक कर रहे हैं। बताइए इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? थक गई हूं मैं तो। मम्मी सच कह रही है इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने मेरे सामने अपनी शक्ल चेंज की थी। अबे सुनो, पुलिस के सामने चीखना मत। मैं पूछता हूँ, पुलिस के लिए तुम्हारे घर का झगड़ा सुलझाना मेन काम है कि इलेक्शन कराना?
जब मेरी बीवी घर में नहीं है तो ये घर का मामला कैसे हुआ? ये मामला तो बाहर से आया हुआ है ना, ये वाला। बाहर के आदमियों के सामने आप तो हट कर रहे हो जी, थक गई हूँ मैं तो। आपको मुझ में शक है ना, लेकिन ये दिल तो झूठ नहीं बोला कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं आपकी वही शांता हूँ, वही शांता कर रही हो तुम? आपको यकीन दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दिल तो वही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? दिल देख कर सांप सुन गया ना। पुलिस के सामने बीवी पर झूठा इल्जाम लगाते हो? फाइनली गिरफ्तार कर लो इसको। इंस्पेक्टर, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस को इलेक्शन के दिनों में घर बुला के ठीक किया तुमने? सामो, ये तेरी माँ नहीं है, ये तेरी माँ नहीं है। देखिए, आपके घर में कोई झगड़ा है तो जल्दी बताइए, किसे गिरफ्तार करना? अजी सर, आपकी दुआ से मेरे घर पे कोई झगड़ा नहीं है, पर आप हमारे गिल्लू जी को कहाँ लिए जा रहे हैं? हमारे गिल्लू जी? देखिए, ये अपने घर में बीवी को परेशान करते हैं, वो चुनाव के दिनों में पुलिस को परेशान करते हैं, इसलिए पुलिस इन्हें थाना गोलमाल ले जा रही है। आपको कोई परेशानी है? अजी आप रुकिए, इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर से जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गिल्लू जी तो बड़े अच्छे आदमी है, बड़े नेक दिल इंसान है जी। मैं तो इनको बड़े नजदीक से जानता हूँ। नजदीक से? मैं तो इनको दूर से भी नहीं जानता। देखिए, आप इन्हें चाहे जैसे जानते हो, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। अरे इंस्पेक्टर साहब, जरा साइड पे आइए। अजी इंस्पेक्टर साहब, जान पहचान बनाने में कितना टाइम लगता है। ओए, छोड़ दो ने, जान पहचान हो गई है। जी थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। जी आपको भी थैंक यू जी। देखिए, आइंदा मेरी जरूरत हो जान पहचान की ना, मुझे बुलाइएगा। ओए, केस फाइनल हो गया, चलो। चलिए गिल्लू जी, आप भी घर चलिए, मैं आपके घर जा रहा हूँ। मुझे पुलिस से बचाने वाला ये शरीफ और अजनबी आदमी कौन हो सकता है? अरे गिल्लू जी, कहाँ रह गए? चलिए ना, मेरा घर भी जानता है। आ जाइए गिल्लू जी। अरे तुम इन्हें ले आए, अच्छा किया। अरे क्या बात कर रही है, ये तो मेरा फर्ज था शांता जी। शांता जी, ये इसको शांता जी कह रहा है? सतपाल, 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 मुझे पता था तुम यहीं पे मिलोगे। अरे बिल्ला, इसको सतपाल कह रही है, तो फिर ओरिजिनल सतपाल कहाँ है? अरे गिल्लू जी, आपको तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए, जैसे मैं हो गई हूँ। क्यों, मैं पागल हूँ क्या? सचमुच वाला पागल नहीं गिल्लू जी, जो खुशी से हो जाते ना पागल, वो। अब देखिए, बेचारे सतपाल ने अपनी शक्ल भी चेंज करा ली है, जो आपको पहले पसंद नहीं थी। कितना स्वीट तो है बेचारा। बेचारा स्वीट। जब से मैं इस घर में आया हूँ, तब से मैं बदली हुई शक्लें ही देख रहा हूँ, और मुझे लगता है ये बदली हुई शक्लें देख देख कर मैं पागल हो जाऊंगा। गिल्लू जी, आपको पता है, अगर मैं और आप भी प्लास्टिक सर्जरी करा लेना, तो हमारी भी शक्लें चेंज हो सकती हैं, शांता जी और सतपाल के जैसे। दुम्ला जी, आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। दुम्ला, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये शांता और सतपाल नहीं है। अच्छा, हाँ? तो फिर ये कौन है? वही तो हमें पता करना है। मुझे लगता है शांता और सतपाल दोनों भाग गए हैं साथ साथ, और इन दोनों बहुरूपियों को हमारे घर में छोड़ गए अलग अलग। भाग जाने दो गिल्लू जी, मैं तो कहती हूँ मुझे तो अपना नया वाला सतपाल ही अच्छा लग रहा है, इतना स्वीट तो है बेचारा। ओ मैं आ गया, गिल्लू आ गया भाई। चलो आ गया, अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ओ मैं आ गया, उसके अंदर डाल दो थोड़ी सी पत्ती और थोड़ी सी चीनी, तो हो जाएगी चाय की चाय। अच्छा हो गया, आप भी आ गए, आप पूरा पूरा हो गया। मैं आपके लिए समोसे और कचौड़ी लेके आती हूँ। ओ वाह जी वाह, समोसे और कचौड़ी, मजा ही आ जाएगा। ओए यार, तूने बताया नहीं जलंधर वाली पुआ की लड़की आने वाली है? अबे ये तेरी पुरानी परजाई है शांता, नई बन के आई है शांता। शांता परजाई और पुरानी वाली नई बन के आई है? हाँ, और ये बंदा कौन है जो हमारे बीच में हाँ बोल रहा? अरे ये पुराना वाला सतपाल है जो नया बन के आया है। पुराना वाला सतपाल नया बन के आया? हाँ जी, शांता जी और सतपाल दोनों चेंज हो गए हैं। क्या है डॉक्टर परमंत? और चेंज होने के बाद भी नाम तो सही बोल रहा है यार। ओ यार गिल्लू, इधर आ मेरे पास आ। ओ यार, ये शांता परजाई और सतपाल कुछ ज्यादा ही चेंज नहीं हो गए? ज्यादा? अरे टोटल चेंज हो गए, टोटल। तू सही वक्त पर आया है यार, सही वक्त पे आया जी। मैं कहा जी, मैं बिल्कुल सही वक्त पे ही आता हूँ, गिल्लू यही कह रहा था। ओए गिल्लू,
यार, ओए ये तो कमाल का चेंज है यार। ओए ऐसे चेंज के लिए तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं, और तेरे को ये चेंज तो घर बैठे ही मिल गया। मैं तो कहता हूँ ये कचौरी समोसे मुझे कुछ चेंज से लग रहे हैं। अबे तुझे कचौरी और समोसे की पड़ी है, यहाँ असली सतपाल और शांता दोनों गायब है। बलवंत जी, ऐसा नहीं लग रहा कि समोसों ने कचौड़ियों जैसी प्लास्टिक सर्जरी करा ली है सतपाल की तरह, और कचौड़ियों ने समोसों जैसी शांता जी की तरह? मैं तुझे कचौड़ी जैसे लग रहा हूँ और शांता जी समोसे जैसी? समोसे और कचौड़ियों ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? नहीं नहीं, समोसे और कचौड़ी ने नहीं, हम दोनों ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। सतपाल ना घूमते घूमते मेले में गए थे, कुंभ के मेले में? हाँ जी, कुंभ का मेला ही समझ लो। वहाँ वो प्लास्टिक सर्जरी कराने वालों का एक कैंप लगा था, वहीं लगे हाथों हम दोनों ने अपनी शक्लें बदलवा डाली। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी पुरानी शक्लें जुड़वा भाइयों की तरह मेले में खो गई है। तो यार भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। अबे साले तू भी बिक गया है? तूने भी तो मुझे बेच दिया था पिछले एपिसोड में उस ट्रांसपोर्टर के हाथ। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गड्डी रोड पे आनी चाहिए बस। भाई साहब, आप ही इन्हें समझाइए ना, ये अब तक मुझ पे और सतपाल पे शक कर रहे हैं। अच्छा, ओए गिल्लू, तू अब तक शांता पर जाई और सतपाल में शक कर रहा है? बिल्कुल, तुम्हें कोई शक है? शक? बेशक कोई शक नहीं है, और तेरा शक दूर करने के लिए पीछे हट। मैं शांता परजाई और सतपाल का मेडिकल चेकअप करूंगा और ये प्रूफ कर दूंगा कि शांता परजाई है या नहीं, सतपाल पड़ोसी सतपाल है या नहीं। अबे जो कुछ करना हो तो जल्दी कर यार। हाँ एक मिनट। हाँ जी, जुबान कटो। सेम टू सेम, सेम। हाँ भाई तू भी काट, तेरी भी सेम है। हाँ जी, नब्ज दिखाओ। ओए दोनों की नब्ज एक ही स्पीड पे है, सेम टू सेम है। तो ये अपने में, हाँ हाँ मेरे को तो बैठ की ये ठीक है। हाँ जी, लंबी लंबी छोड़ो। क्या? हाँ सर, सिखाओ ना। हाँ तो सेम टू सेम है, तू भी छोड़ भाई। और सेम टू सेम है। तमाम गवाहों, सबूतों और तहकीकातों के बावजूद डॉक्टर बलवंत इस नतीजे पर पहुंचा है, चेंज होने के बावजूद शांता प्रजाई है, ते सतपाल पड़ोसी पड़ोसी है। क्या? मेरी सतपाल सतपाल है। अबे ये तू नहीं बोल रहा, तू नहीं बोल रहा, तेरे पेट में जो ये समोसे और कचौड़ी गए ना वो बोल रहे हैं। अरे यार गिल्लू, क्या बात कर रहा है यार तू? ओए यार, दिस चेंज इज फॉर बेटर यार। बस करो, तुम सब आपस में मिल गए हो। कमाल कर रहा है गिल्लू यार तू, तू कल्ला हम सब के ऊपर शक कर रहा है, वो भी खुल्लम खुल्ला। हाँ गिल्लू जी, आप दूसरों के ऊपर शक करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मेरे ऊपर तो मत करो। मेरी शक्ल तो चेंज नहीं हुई, सेम टू सेम है। मैं आप पर शक नहीं कर रहा, तरस खा रहा हूँ, तरस। डॉक्टर साहब, मेरी सेहत के लिए क्या ज्यादा अच्छा है कि गिल्लू जी मेरे ऊपर शक करें या गिल्लू जी मेरे ऊपर तरस खाएं? देखो ये तो डिपेंड करता है सूट करने के ऊपर, जिसको जो सूट कर रहा है वो ठीक है, लेकिन गिल्लू ये बात ठीक नहीं है। मेरी मेडिकल रिपोर्ट के बाद भी तू शांता प्रजाई और सतपाल में शक कर रहा है? हाँ। तूने मेरी मेडिकल रिपोर्ट का अपमान किया है। हाँ, हाँ, ठीक है। असली कौन है तो नकली कौन है, इस गल का फैसला ऐसी फ्लोर विच होके रहूंगा। किस तरह? रुक जा, ब्रेक हो गया उसके बाद। नमस्ते जी, गोलमाल के गोलमाल क्विज कंपटीशन में आप सबका स्वागत है जी। तो हमने क्या किया है जी, हमने दो फैमिलियों के पार्टनरों को चेंज करके ना दो अलग अलग टीमें बनाई हैं, एक है असली टीम तो एक है नकली टीम। मैं आपको मिलवा देता हूँ जी। हाँ जी, मैं गिल्लू असली, मैं बिमला असली, मैं इनकी शांता नकली। अच्छा, मैं इनका सतपाल नकली। हाँ जी, तो आप बोलिए जी। और मैं सोनू, बीच बीच में स्कोर बोलूंगा। और मैं हूँ जी डॉक्टर बलवंत, मैं इन दोनों टीमों से अपने सीरियल के पिछले 16 एपिसोडों में से घुमा घुमा के फिरा फिरा के सवाल पूछूंगा। तो हमारा पहला राउंड शुरू होता है जी, जिसका नाम है बोलती बंद राउंड। हाँ तो जी, इस राउंड में हम क्या करेंगे जी, टीवी पे जो सीरियल का सीन दिखाएंगे जी, है तो आपको तो साउंड सुनाई देगी, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट को साउंड नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इनके लिए मैं साउंड ऑफ कर दूंगा। तो जी हमारा पहला राउंड शुरू होता है बोलती बंद राउंड। टिंग, कब मारना है डाका? कब? अबे तेरे पैर तो अभी से कांप रहे हैं यार। ये मेरे पैर हैं। एक काम करते हैं, डाका मारने से पहले एक रिहर्सल कर लेंगे। हाँ, रिहर्सल करने के बाद का शॉट जो होता है ना वो ओके शॉट होता है। करेक्ट। अफ़ो, थक गई हूँ मैं तो।
क्यों, बहुत सामान था? हाँ, बहुत अच्छा सामान था। अच्छा, हम दोनों ने भी बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वेरी गुड प्रोग्राम, वेरी गुड। हाँ, तो ये था जी आपका बोलती बंद सीन। अब ये सीन आपके सामने दोबारा रिप्ले किया जाएगा और आपको अपने अपने डायलॉग बोलने हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्रिंग, तो कब डालना है डाका? डाका? अरे गिल्लू जी, ये तो डाके वाला एपिसोड है। अरे यार, तेरे पांव तो अभी से कांप रहे हैं। क्यों क्यों कांप रहे हैं? पता नहीं। एक काम करते हैं, चल तीन दहाड़े डकैती डालते हैं। करेक्ट। ओफो, थक गई हूं मैं तो। ये है असली शांता, वो रहा पुराना वाला सतपाल। तुमने, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। गिल्लू जी, आपने शांता जी को आंख क्यों मारी थी? तो लो जी, नकली टीम में सारे के सारे डायलॉग असली बोले हैं, इसलिए उनको सारे नंबर दिए जाते हैं और असली टीम को एक भी डायलॉग ठीक से याद नहीं है। सुनो पुत्र, स्कोर दसो। असली टीम के है -20 और नकली टीम के +20। लो जी, मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंगली शुरू हो गया जी। हम असली एंटर करने जा रहे हैं दूसरे राउंड विच। साडा दूसरा राउंड है गोलमाल टॉप 10। बोलती तेरे विच भी बंद रहेगी, लेकिन साडे पार्टिसिपेंट को दसना है कि कौन सा गाना गाया जा रहा है। लो जी, शुरू होता है सॉन्ग नंबर 1। ड्रिंक। महलों ये तख्तों ये ताजों के ये इंसान के दुश्मन समाजों के दुनिया ये गाने सुन रहे हो सत्तू? हाँ जी विमला प्रिया जी, थोड़ा बेस्ट चांस। हुन दसो कि इस सीन विच सतपाल ने कीड़ा गाना नहीं गाया। इस सीन में सतपाल ने ये महलो ये तख्तो ये ताजों वाली दुनिया वाला गाना गाया है। तो सी दोस्तों जी, अरे सतपाल को गाना आता कहाँ है? तो सी दोस्तों जी, इस सीन में मैंने ये महलो ये तख्तो ये ताजों वाला गाना नहीं गाया था। क्यों? क्योंकि टेप रिकॉर्डर बज रहा था। सेकंड सॉन्ग। टिंग। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। हाँ जी, अब बताओ, ये तो बताओ। किल्लू जी, सारा कुछ मैं ही बताए जा रही हूँ, आप भी तो कुछ बताओ। गलत बताने से बेहतर है चुप रहो। बोलो बोलो मेरे यारो, कुछ तो बोलो। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। यार गिल्लू, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है? ना तो तेरे को डायलॉग याद है, ना तेरे को गानों का पता है यार। भाई फुल स्कोर तक यार। असली टीम के है -85 और नकली टीम के +85। यार सुनो, असली टीम की हालत तो जो है बहुत नकली होती आ रही है, मेरा मतलब खराब होती आ रही है, और नकली टीम की हालत बहुत अच्छी होती आ रही है। क्या करें यार। गिल्लू जी, हमारी टीम असली होके भी हार रही है और उनकी टीम नकली होके भी जीत रही है। आपके साथ रहके तो मैं हार जाऊंगी गिल्लू जी, आई एम सॉरी। गिल्लू जी नहीं, घबराइए मत, अब मैं बहुत सोच समझ कर जवाब दूंगा, देखना। तो अभी तक आप ऐसे जवाब दे रहे थे। हां, तो ये शुरू होता है इस कंपटीशन का आखिरी तो फाइनल राउंड, ये है बजर राउंड। इसलिए आप अपने अपने बजर अपने हाथ में कस के पकड़ लो जी। इस राउंड में गलत जवाब देने वाले को 50 नंबर एकदम काट दिए जाएंगे और सही जवाब देने वाले को 50 नंबर एकदम ऐड कर दिए जाएंगे। और इस राउंड का नाम है जी फेर की हो यार राउंड। इसमें आपको एक सीन दिखाया जाएगा और आपको यह बताना है कि उस सीन के बाद फेर की हो यार जी। तो सीन शुरू होता है जी। ट्रिंग। ओहो गिल्लू जी, आप मेरे घर में? तू अपन के घर कभी भी आ सकता है, अपन तेरे घर नहीं आ सकता क्या? अरे क्या बात करते हैं साहब, जरूर आ सकते हैं, आइए आइए। शांता जी नहीं आई? वो भी आ जाएंगी। बैठिए ना आप। अरे विमला, अरे वो विमला, अरे जरा देखो भाई, हमारे पड़ोसी गिल्लू जी आए हैं। उनके ओहो, उनके लिए कुछ चाय वाला ठंडा वंडा लाओ भाई। क्यों गुस्सा दिलाती है मुझे, क्यों गुस्सा दिलाती है? लीजिए भाई साहब। याद आ गया, बोलो बोलो बोलो। इसके बाद मैं आई थी। अरे बलवंत के आने के बाद
हुआ था वो बताना है। गलती हो रही है, मैं बता रहा हूँ ठीक ठाक। अरे हाँ, मैंने सोनू को फोन करके विमला के घर बुलाया था, राइट? नंबर दे दे। यार सोनू तो इस सीन के बाद आया था। टाइम ओवर। हाँ जी, वो तो मेरे को आपके हंसने से ही पता चल रहा है कि आप ही बताओगे। बड़बन जी, इस सीन के बाद गिल्लू जी को शांता जी के बारे में गलत फहमी हुई थी। करेक्ट। इन्होंने कहा था ये मेरी बीवी है, पर मैंने कहा था कि मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। अच्छा, तो उस एपिसोड से शांता मेरी बीवी न बनने की साजिश रच रही है। हाँ, लेकिन इस एपिसोड में तो ये आपकी बीवी बनने की साजिश रच रही है ना? अब इस बातों का कोई फायदा नहीं है। और सोनू बेटा, स्कोर बता इनको। असली टीम का स्कोर है -135 और नकली का +135। जी हम पूछते हैं कि हम नकली होके भी असली साबित हुए हैं और ये असली होके भी नकली साबित हुए हैं।